मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर पेज पर एक वीडियो शेयर करते लिखा है कि रीवा के लोकप्रिय गायक रघुवीर शरण श्रीवास्तव द्वारा गाया गया यह गीत शिवराज सरकार को आईना दिखा रहा है। यह बघेली लोकगीत प्रदेश तक पहुँच गया है। रीवा जिले में आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। एक बार फिर यह वीडियो सामने आया है जिसमें गायक रघुवीर शरण श्रीवास्तव के द्वारा महंगाई एवं विभिन्न मुद्दों को बघेली गीत बनाया गया। यह गीत बघेली भाषा में रची गई है। वहीं एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर पेज पर इस वीडियो को अपलोड किया। महंगाई एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर गायक रघुवीर शरण श्रीवास्तव के द्वारा बघेली भाषा में यह लोकगीत लिखा गया तथा उन्हीं के द्वारा गाया गया, जिसको कांग्रेस के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड करते हुए लिखा कि रीवा के लोकप्रिय गायक रघुवीर शरण श्रीवास्तव के द्वारा गाया गया यह गीत शिवराज सरकार को आईना दिखा रहा है, जिसके बाद यह वीडियो सुर्खियों में आ गया है। लगभग 1 मिनट 54 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो एक लोकगीत का है जो बघेली भाषा में लिखी गई है। महंगाई एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर यह लोकगीत बनाई गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। वहीं यह लोकगीत प्रदेश स्तर तक पहुँच गई है। लोग इस वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर करीब 10 घंटे पहले यह वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें 4000 से भी अधिक व्यूज आ चुके हैं। एमपी में बहुते बेरोजगारी, महंग भइल तेल तरकारी। एमपी में बहुते बेरोजगारी, ना मिलल सरकारी नौकरिया। एमपी में बहुते बेरोजगारी, ना मिलल सरकारी नौकरिया। मिलल ना नौकरिया, मिलल ना नौकरिया, मिलल ना नौकरिया, मिलल ना नौकरिया। एमपी में बहुते बेरोजगारी, ना मिलल सरकारी नौकरिया। पाई पाई जोड़ के हम पूरा कहीं शिक्षा, पाई पाई जोड़ के हम पूरा कहीं शिक्षा। देवे खातिर गई पटवारी के परीक्षा, देवे खातिर गई पटवारी के परीक्षा। पर्चा कैल लीक अधिकारी, 15 लाख दे के बने पटवारी। पर्चा लीक कैले अधिकारी, ना मिलल सरकारी नौकरिया। 15 लाख दे के बने पटवारी, ना मिलल सरकारी नौकरिया। महंग भइल तेल तरकारी, ना मिलल सरकारी नौकरिया। एमपी में बहुते बेरोजगारी, ना मिलल सरकारी।